बहन की गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आ चुका है। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वो अन्याय लगने लगे। सीएम ने कहा है ट्वीट करते हुए कि न्याय में इतना भी विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का आपको बता रहे हैं। और ठीक कालेचरण की गिरफ्तारी के बाद से ये ट्वीट सामने आए हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि न्याय इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। और इस ट्वीट में उन्होंने साफ इजहार किया है अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि न्याय इतना भी विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का कालेचरण की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। तो कालेचरण की गिरफ्तारी की मांग हर ओर से उठ रही थी और अब इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दिया है। जिस तरीके से विलंब किया गया कालेचरण की गिरफ्तारी को लेकर के, अब ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का सामने आया है। हालांकि कालेचरण की गिरफ्तारी हो चुकी है और कालेचरण की गिरफ्तार होने के बाद का ये ट्वीट सामने आया है सीएम भूपेश बघेल का। एक बार फिर से रायपुर लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे संवाददाता अमित चौरसिया मौजूद हैं। तो अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तो सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आ चुका है, इस ट्वीट को लेकर के क्या कहा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अन्याय इतना भी विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। जिस जहां पर सबो डहर न्याय की बात करते हैं, कहते हैं कि भूपेश सरकार में हर तरफ न्याय नजर आ रहा है, तो इस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी के बाद तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि न्याय में देर नहीं होनी चाहिए और विलंब नहीं होना चाहिए ताकि वह अन्याय ना लगने लगे। तो जिस तरीके से घटना विवादित बयान आने के 3 दिन के भीतर ही कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस की तत्परता, और चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त तेवर भी इसमें काम आए, जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता के साथ खजुराहो के बागेश्वर धाम से इसको कालीचरण को गिरफ्तार किया है और कालीचरण को लेकर वह सुबह 6 बजे के लगभग रवाना भी हो गए हैं, तो लगभग यहां देर शाम पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कल्पतरु कालीचरण को यहां पर पुलिस लाकर न केवल यहां पर उनसे पूछताछ कर सकती है और साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से न्यायालय में भी पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, एक और सवाल जो मैंने आपसे इससे पहले भी किया था, वो सवाल एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी क्योंकि उस सवाल का उस वक्त जवाब नहीं मिल पाया था। जिस तरीके से वहां पर तमाम सन्यासियों को देखा गया था और भी साधु संत उस स्टेज पर मौजूद थे उनके कालीचरण के साथ में, वहां पर आम जनता की भी गूंज सुनाई दे रही थी कि वो भी किस तरीके से जयकारे लगा रहे थे कालीचरण के इस विवादित बयान के बाद भी, तो आखिर इस पूरी मानसिकता को कैसे देखा जाए कि वहां पर और भी कई सारे साधु संत थे जिन्होंने रोकने की कोशिश तक नहीं की बल्कि और बढ़ावा दिया गया। सुरभि, जैसे कि किसी भी चीज में नकारात्मक चीज को तत्काल स्वीकार योग्य माना जाता है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर कोई भी विवादित बयान आता है तो उसे तत्काल लोगों ने वहां न केवल तालियां पीटी बल्कि उन्होंने एक तरह से शोर भी मचाया और उस जो विवादित बयान का स्वागत भी किया, इस तरह से कह सकते हैं। क्योंकि धर्म संसद में जहां देश प्रदेश से और जूना अखाड़ा अयोध्या से